Now let us take one question on rational method so that we can calculate the peak flood flow using rational method. लेकिन हमको ये याद रखना है कि rational method हमेशा लगाया जाता है for catchment area less than 50 किलोमीटर square. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग rational method. क्वेश्चन में गिवन है अ 500 हेक्टेयर watershed. watershed का मतलब catchment area होता है. ठीक है, अ 500 हेक्टेयर watershed has the land use cover and corresponding runoff coefficient as given below. देखिए 500 हेक्टेयर, we know that 1 हेक्टेयर is equals to 10 to the power 4 meter square. तो अगर हम इसको meter square में change करेंगे तो this will be 5 into 10 to the power 6 meter square. और 10 to the power 6 meter square कितना होता है, किलोमीटर square होता है, यानी कि 5 किलोमीटर square catchment area given है, तो ये less than 50 किलोमीटर square है, तो हम इसमें rational method apply कर सकते हैं. तो 500 हेक्टेयर वाटरशेड हैज़ द लैंड यूज कवर एंड करस्पॉन्डिंग रन ऑफ कोफिशियंट एज गिवन बिलो. लैंड यूज कवर गिवन है, एरिया गिवन है, एंड रन ऑफ कोफिशियंट गिवन. लैंड यूज कवर कितना है, मतलब कहने का मतलब है 500 हेक्टेयर कैचमेंट में ही ये सब चीज़ें आ रही हैं, यानी कि फॉरेस्ट भी है उस एरिया में, पैस्चर लैंड भी है. पैस्चर लैंड मतलब कि जहाँ पे हम गाय भैंस को चराते हैं. ठीक है, कल्टिवेटेड लैंड यानी कि जहाँ पे हम कल्टिवेशन अप्लाई कर रहे हैं, कल्टिवेशन कर रहे हैं. तो फॉरेस्ट एरिया कितना है, 250 हेक्टेयर है. पैश्चर एरिया कितना है, 50 हेक्टेयर है. कल्टीवेटेड लैंड कितना है, 200 हेक्टेयर है. अब देखिए हमको पता है कि रन ऑफ कोफिशियंट जो होता है वो कैचमेंट करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है. तो देखिए जो फॉरेस्ट कवर एरिया है तो 0.1 उसका रन ऑफ कोफिशियंट गिवन है. पैश्चर गिवन है तो 0.11 गिवन है. कल्टीवेटेड लैंड गिवन है तो 0.3 गिवन है. देखिए ये एक ही कैचमेंट में अलग अलग सब एरियाज है, तो ये अगर हमें इस टोटल एरिया का रन ऑफ कोफिशियंट निकालना पड़ेगा तो हमें इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशियंट निकालना पड़ेगा. तो जो कि हमारे पास फॉर्मूला है समेशन सी आई ए आई. ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाई समेशन ए आई, आई इज इक्वल्स टू 1 to n. ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर, कि रिमोट पॉइंट से आउटलेट तक जो वाटर ट्रेवल कर रहा है वो मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 500 मीटर. और क्या गिवन है, द एलिवेशन डिफरेंस, एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द रिमोट पॉइंट एंड आउटलेट इज 25 मीटर. ये क्यों गिवन है, क्योंकि हम इससे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पीक हमको तभी मिलेगा जब रेनफॉल का ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के क्या हो, बराबर हो या तो उससे ज़्यादा हो. क्लियर है, तो ये सब फैक्टर्स दिए हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए. और हमको इंटेंसिटी गिवन है कि इंटेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है, आई इज इक्वल्स टू 6.311 टी की पावर 0.153 डिवाइडेड बाई डी प्लस 0.5 की पावर 0.945. आई क्या है, इंटेंसिटी इन सेंटीमीटर पर आर. टी क्या है, रिटर्न पीरियड इन आर्स टी. डी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन ईयर. तो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन ईयर क्या होगा, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन ईयर होगा आपका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि पीक हमें तभी मिलेगा जब रेनफॉल की ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर या तो उससे ज़्यादा हो. ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एस्टिमेट पहला 25 ईयर पीक रन ऑफ फ्रॉम द वॉटरशेड. 25 ईयर ये क्या गिवन है, दिस इज रिटर्न पीरियड, यानी कि कैपिटल टी के वैल्यू गिवन है. 25 ईयर पीक रन ऑफ फ्रॉम वॉटरशेड, यानी कि ऐसा पीक रन ऑफ जिसका रिकरेंस इंटरवल 25 साल है. ठीक है, और फिर क्वेश्चन सेकंड क्या कहा गया है, 25 ईयर पीक रन ऑफ इफ द फॉरेस्ट कवर हैज डिक्रीज टू 50 हेक्टेयर एंड द कल्टीवेटेड लैंड हैज एनक्रोज्ड अपॉन पैश्चर एंड फॉरेस्ट लैंड टू हैव अ टोटल कवरेज ऑफ 450 हेक्टेयर. अब कहने का मतलब है दूसरे क्वेश्चन में जो फॉरेस्ट कवर एरिया था वो था 250, लेकिन अब वो डिक्रीज कितना हो गया है, डिक्रीज कितने हो गए, वो 50 हेक्टेयर हो गया डिक्रीज होके. और ये जो पैश्चर है और ये जो फॉरेस्ट एरिया जो डिक्रीज हुआ है, जो डिक्रीज फॉरेस्ट एरिया प्लस पैश्चर, वो किसके अंडर आ गया है, कल्टीवेटेड लैंड के अंदर आ गया. और कल्टीवेटेड लैंड कितना हो गया है, 450 हेक्टेयर. ठीक है, तो उसके लिए रन ऑफ कोफिशिएंट दूसरा होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो इसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग रेशनल मेथड. तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू रेशनल मेथड द पीक इज इक्वल्स टू, पीक डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 1/3.6 इंटू सी रन ऑफ कोफिशिएंट इंटू आई, आई एट व्हाट, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी कैपिटल पी इंटू ए. क्लियर है, इंटू ए. तो हमारे पास ये गिवन है. अब हमको ये पता है कि एरिया किस में होता है, किलोमीटर स्क्वायर में होता है. इंटेंसिटी किस में होती है, मिलीमीटर पर आर में होती है. ठीक है, सी की तो कोई यूनिट नहीं होती. और क्यूपी किस में आता है, मीटर क्यूब पर सेकंड में आता है. ठीक है, तो हमको ये कैलकुलेट करना है. अब हमको इस क्वेश्चन में देखना है, पहले क्वेश्चन में 25 ईयर पीक बोला गया है. ठीक है, 25 ईयर पीक यानी कि कैपिटल टी की वैल्यू है 25 साल. लेकिन ये जो रन ऑफ कोफिशियंट है अलग अलग के लिए दिया है, लेकिन इस टोटल के लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा. क्लियर है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं.
ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट हमको यही फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो पहले पार्ट के लिए हमको ए की वैल्यू गिवन है 500 हेक्टेयर, ठीक है, 500 हेक्टेयर गिवन है हमको, क्लियर है। 500 हेक्टेयर को अगर किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर स्क्वायर, क्लियर है। टी कितना गिवन है, 25 ईयर्स गिवन है। आई की वैल्यू और सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे और सी की वैल्यू हम इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो डी है, ड्यूरेशन इन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है, ये किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर। तो हमें टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सी दिस विल बी इक्वल्स टू समेशन ए आई सी आई डिवाइडेड बाई समेशन ए आई, दिस इज I is equals to 1 to n, this is I is equals to 1 to n। अब हमारे पास गिवन है फॉरेस्ट गिवन है, पैश्चर गिवन है, कल्टिवेटेड, उसका रन ऑफ कोफिशिएंट अलग अलग गिवन। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कितना था, फॉरेस्ट था 250, उसका रन ऑफ कोफिशिएंट कितना था 0.1, तो 250 into 0.1 प्लस पैश्चर कितना गिवन था 50, इसका रन ऑफ कोफिशिएंट 0.11, तो इसको भी कर देते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.11 प्लस कल्टिवेटेड लैंड कितना गिवन था 200, इसका रन ऑफ कोफिशिएंट 0.3, तो 200 into 0.3 डिवाइडेड बाई समेशन ए आई। क्या होता है समेशन ए आई, मतलब टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है 500 हेक्टेयर। देखिए ऊपर भी हमने हेक्टेयर में रखा है तो नीचे भी हम हेक्टेयर में रखेंगे और हेक्टेयर हेक्टेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास ये आ गया, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 0.181, तो सी इक्विवेलेंट आ गया 0.181। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें गिवन है, क्या गिवन है, 6.311 टी की पावर 0.1523 डिवाइडेड बाय डी प्लस 0.5 की पावर 0.945। यहाँ जो D है, ये D किसके बराबर होना चाहिए, TC के बराबर होना चाहिए, तो हमें TC भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल T की वैल्यू कितनी गिवन है, 25 ईयर्स गिवन है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा इस फॉर्मूले में ये इंटेंसिटी किस में गिवन है, सेंटीमीटर पर आर में, लेकिन हमारा फॉर्मूले में इंटेंसिटी किस में रहती है, मिलीमीटर पर आर में। तो इसको हमें मिलीमीटर पर आर में चेंज करना पड़ेगा, तो हमें अब TC कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमारे पास TC के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम बात करें TC, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ ट्रेवल एंड डेल्टा एच, तो यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेवल और डेल्टा एच के टर्म में फॉर्मूला जो है हमारे पास TC का वो क्या था, 0.01947, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एल क्यूब बाई डेल्टा एच, ये था हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो TC आता था ये किस में आता था, मिनट्स में आते थे, ये TC किस में आता था, मिनट्स में आता था। और इसको हम सॉल्व करते हैं 0.01947, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रेवल कितनी गिवन है, 500 मीटर, 500 का क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा एच कितना गिवन है, 25, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया, क्लियर है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 58.5 मिनट। लेकिन इस क्वेश्चन में, इसमें इंटेंसिटी में ये डी या तो टीसी किस में गिवन था, ईयर में गिवन था, तो हमको ईयर में ही रखना पड़ेगा। तो वो ईयर में कितना हो जाएगा, ईयर में नहीं गिवन है, सॉरी ईयर में नहीं गिवन है, इट इज़ गिवन इन आर्स, ठीक है, इट इज़ गिवन इन आर्स। तो आर्स में कितना हो जाएगा ये 58.5 मिनट्स, तो 58.5 मिनट्स कितना हो जाएगा आर, 0.975 आर, क्लियर है। अब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 6.311, टी की वैल्यू कितनी रखेंगे 25, तो 25 की पावर 0.1523, ड्यूरेशन कितना आ गया डी, डी इज इक्वल टू टी सी, तो टी सी कितना आ गया 0.975 प्लस 0.5 की पावर 0.945। फॉर्मूला किस में गिवन था, सेंटीमीटर पर आर में, तो कितना आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर पर आर में, सेंटीमीटर पर आर में आ जाएगा 7.123 सेंटीमीटर पर आर। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेशनल मेथड इंटेंसिटी हमें किस में रखना है, मिलीमीटर पर आर में, तो ये कितना हो जाएगा 71.23 मिलीमीटर पर आर।
अब क्या हो जाएगा पीक डिस्चार्ज, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/3.6 सी आई इंटू ए, सी की वैल्यू कितनी हमने निकाला 0.181, ठीक है 0.181, आई कितना आ गया 71.23, ए कितना गिवन है किलोमीटर स्क्वायर में 5, ठीक है ए कितना गिवन है किलोमीटर स्क्वायर में 5, तो जो अब फॉर्म अब जो है क्यूपी आता है वो किस में आता है मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो क्यूपी कितना आ जाएगा 64.46 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आई तो चेंज नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 ईयर पीक रन ऑफ इफ द फॉरेस्ट कवर हैज डिक्रीज टू 50 हेक्टेयर एंड द कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिकरेंस इंटरवल भी सेम है, बस सी चेंज हो जा रहा है, क्योंकि सी फॉरेस्ट एरिया और पेस्टर एरिया कल्टीवेटेड लैंड में जुड़ जा रहा है, तो सी चेंज हो जा रहा है, तो बाकी सब चीज़ें तो सेम रहेगी, बस सी अलग रहेगा, ठीक है सी अलग रहेगा, तो हम सी अलग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है सी अलग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो सी कैसे हो फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको वही लगाना है, क्यू पी इज इक्वल्स टू 1/3.6 सी आई ए, ए तो यहाँ सेम है 5 किलोमीटर स्क्वायर, आई भी हमारा सेम ही है क्योंकि रिकरेंस इंटरवल सेम है, रिकरेंस इंटरवल चेंज नहीं हो रहा है तो आई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है तो 71.23 मिलीमीटर पर आ। अब सी देखते हैं, अब क्या कह रहा है, नई कंडीशन क्या आ रही है कि केवल फॉरेस्ट और कल्टीवेटेड लैंड है, फॉरेस्ट कितना था 50 हेक्टेयर है और कल्टीवेटेड लैंड कितना हो गया 450 हेक्टेयर, तो फॉरेस्ट का रन ऑफ कोफिशिएंट कितना था 0.1 था और कल्टीवेटेड लैंड का कितना था 0.3 था, तो इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 50 × 0.1 प्लस 450 × 0.3 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है 500, यहाँ पे हेक्टेयर में रखें तो हम यहाँ पे भी हेक्टेयर में रखेंगे, तो जब इसको सॉल्व किया हमने तो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.28। अब क्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से, 1/3.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.28, आई की वैल्यू है 71.23 और ए की वैल्यू है 5, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा, तो ये कितना आएगा 99.72 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए पहले वाले पार्ट में 64.46 आ रहा था और आई की वैल्यू थी 0.181 और इसमें आ रहा 99.72 और आई की, और सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन में कितना आ रहा था 64.46 और सी की वैल्यू थी 0.181, ठीक है इसमें सी की वैल्यू है 0.28, तो क्यू पी की वैल्यू कितनी आ रही है 99.72, यानी कहने का मतलब है जितना रन ऑफ कोफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा पीक डिस्चार्ज होगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन यूजिंग रेशनल मेथड।